लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एक्सप्रेशंस बैट सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन से देखे थे। उन एक्सप्रेशंस का ही एप्लीकेशन अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है? यहाँ पे चेक करो, ये पहला एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ वायर्स हैं जिनको कुछ वायर्स हैं जो स्ट्रेट सेगमेंट के हैं और कुछ हैं जो आर्क के शेप में, और ऑल्टरनेट करके ये लेफ्ट राइट होके जा रहे हैं। देखो, कैन यू सी दैट? आपको दिखाई दे रही है सबको? ठीक यस सर, यस सर, है, तो स्ट्रेट वायर्स हैं और सर्कुलर सेगमेंट के वायर्स हैं, और ये इन्फिनिटी तक ये पार्ट जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछेगी कितनी है। तो पहले स्ट्रेट वायर्स की बात कर लेते हैं। ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स अगर हम सोचे, तो स्ट्रेट वायर्स की बात कर हैं। ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स अगर इसके लिए चेक करोगे आप, तो करंट एलिमेंट देखो इधर, दिस इज करंट एलिमेंट आईडीएल, और ये देखो ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जहां पे हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है। अगर आप देखोगे तो आईडीएल और आर वो दोनों एंटी पैरेलल आ रही है, देखिए आपको। यस सर, तो यस इसका सर, मतलब क्या हो गया, आईडीएल क्रॉस आर इसके लिए कितनी आएगी? जीरो आएगी ना, आएगी, यस सर, ठीक है? तो अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज गिवन सच दैट द वायर अपीयर्स टू पास थ्रू द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाउंड आउट, अगर आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऐसी दी हुई है जो कि अपीयर कर रही है कि वो पास कर रही है उस पॉइंट के थ्रू जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पास कैलकुलेट करनी है, तो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है? तो पहली चीज ये ध्यान रखने की है। सो देयरफॉर इफ द करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट रादर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अपीयर्स टू पास थ्रू द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाउंड देन इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड देयर, इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड देयर, ठीक है? इसको याद रखेंगे हम, दिस इज टू बी रिमेम्बर। तो इस लॉजिक से आपका जितना भी स्ट्रेट सेगमेंट है सबका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया ना, हो गया ना, क्योंकि देखो सारा स्ट्रेट सेगमेंट क्या है वो सी के थ्रू पास कर रहा है, दिख रही है आपको? यस सर, तो बच रहा है अब हमारे पास कौन सा, सिर्फ सर्कुलर सेगमेंट वाले सेक्शंस बच रहे हैं। अब उसमें अगर देखोगे तो एक में क्लॉकवाइज करंट है, फिर एंटी क्लॉकवाइज है, फिर एक बार क्लॉकवाइज है, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज है, और ऐसे इन्फिनिटी तक चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज वाले के लिए अपने राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करो, देखो थंब इनसाइड आ रही होगी, आ रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड यस फिंगर्स को सर, कर्ल करो, थंब इनसाइड आएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज में कर्ल करो तो फिर आउटसाइड आएगा। इसका मतलब एक का फील्ड इनसाइड, फिर दूसरे का आउटसाइड, फिर एक का इनसाइड, फिर दूसरे का आउटसाइड, वैसे ही चलता रहना है। तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखें। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड अब निकालनी है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट्स वायर्स, ओनली ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट वायर्स। एंड अब इसके वैल्यू लिखें, तो ये लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई टू पाई, और ये इनवर्ड है। फिर दूसरा हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ टू आर, रेडियस टू आर दी हुई थी, एंड देन थीटा डिवाइड बाई टू पाई, और इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ फोर आर, एंड देन थीटा डिवाइडेड बाई टू पाई, फिर इनवर्ड्स होगा, और ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी चल रहा है, दिस इज अप टू इन्फिनिटी। अब एक इनवर्ड से दूसरा आउटवर्ड से, फिर एक इनवर्ड से फिर दूसरा आउटवर्ड से। तो इनवर्ड को अगर मैं पॉजिटिव मान लूं, इफ आई एम टेकिंग इनवर्ड्स टू बी पॉजिटिव, आउटसाइड बिकम्स नेगेटिव, तो इसको अगर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई फोर पाई आर इंटू थीटा, इसको कॉमन आउट कर लें, तो हो जाएगा वन माइनस हाफ प्लस 1/4 माइनस, और ऐसे करके चलता रहना है, एंड डायरेक्शन इज इनवर्स। और ये तो इनफाइनाइट जीपी का सम है ना, है नहीं इनफाइनाइट जीपी का सम? यस सर, यस इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होती है, ए बाई वन माइनस आर, याद है आपको? सर, राइट, ए बाई वन माइनस आर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक है, फर्स्ट टर्म इज वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ऑफ आर, कॉमन रेशियो इज माइनस हाफ डाल देंगे, तो हो जाएगा 2/3 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2/3 बस मल्टीप्लाई कर लेना है, सो दिस बिकम्स म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 6/r, एंड डायरेक्शन इज इनवर्स। समझ आई सभी को?
समझ आई है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये सर्कुलर वायर है और उसमें एक पॉइंट पे करंट एंटर कर रही है और दूसरे पॉइंट से करंट बाहर निकल जा रही है, और उसने पूछा है कि फील्ड एट सेंटर कितनी होगी। गिवन कंडीशन ये है कि सर्कुलर लूप जो है वो आपका यूनिफॉर्म है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दो ब्रांच है, एक है ऊपर वाला ब्रांच सर्कुलर सेगमेंट का, एक ऊपर वाला ब्रांच है और एक नीचे वाला ब्रांच है। उनको दो रेजिस्टेंसेस की तरह अगर ट्रीट करें तो एक चीज पक्का कह सकते हैं कि ऊपर वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि उसका लेंथ ज्यादा है ही नहीं है? यस सर। ठीक है, तो इस ब्रांच की रेजिस्टेंस को अगर हम R1 मानते हैं, इसको यहाँ पे इस लूप की रेडियस R दी हुई है, ठीक है, दिस रेडियस इज R, बट इसकी रेजिस्टेंस को मान लेते हैं कि इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इज R1, लेट अस से दिस हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ R1 and this has a resistance of R2. ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि resistance will be proportional to length and length will be proportional to angle, कह सकते हैं ना, क्योंकि radius into theta करते हैं ना, करते नहीं करते? Yes sir. Right. तो अगर आप देखोगे तो ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि resistance R1 और R2 का जो ratio होगा वो angle का ratio होगा। अब ये एंगल का रेशियो अगर मुझे निकालना है तो ये एंगल को मान ले, अगर लेट अस से दिस एंगल इज थीटा 1 एंड ये जो नीचे वाली एंगल दिख रही है इसी को थीटा 2 मान लेते हैं, ठीक है, ये वाली एंगल थीटा 2 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं R1 और R2 का रेशियो थीटा 1 और थीटा 2 का रेशियो होगा, कह सकते हैं? यस। ठीक है, अब आपको एक चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी के कांसेप्ट से ऑलरेडी पता है कि जब हम पैरेलल ब्रांचेस में, ये पैरेलल ब्रांच ही तो है ना, ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का रेजिस्टेंस तो पैरेलल ब्रांच है ना? Yes, तो उस केस में जो करंट का डिवीजन होगा, इधर करंट I1 और नीचे वाली ब्रांच में करंट अगर I2 दिखाए, तो I1 और I2 का अगर रेशियो लिखते, सॉरी I1 is to I2 अगर लिखते, तो ये आता आपका R2 is to R1, आता ना? Yes sir. Yes sir. And this would have been equal to theta 2 is to theta 1. इसका मतलब इन ऑल क्या रहा है, I1 theta 1 equal to I2 theta 2, ये मिल रही है आपको, ठीक है? इसका मतलब जिसका एंगल कम है उसमें करंट ज्यादा होगा, यही है ना? है ना, यही तो मतलब निकल रहा है। दो चीजों का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, जिसकी एंगल बड़ी है उसकी करंट छोटी हो गई, और जिसकी करंट छोटी, जिसकी जिसकी एंगल छोटी है करंट बड़ी हो जाएगी, ठीक है? अब एक चीज देखोगे अगर, तो स्ट्रेट सेगमेंट वाले के लिए कि तो कोई मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे नहीं आ सकता है, आ सकता है क्या स्ट्रेट सेगमेंट के लिए? क्या सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी? स्ट्रेट सेगमेंट देखो सी के थ्रू पास करता हुआ अपीयर हो रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो बचा कौन सा सेगमेंट? अब हमारे पास सिर्फ सर्कुलर सेगमेंट बचा, तो सर्कुलर सेगमेंट के लिए फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले सेगमेंट की वजह से जो फील्ड आ रही है वो अंदर आ रही है, और नीचे वाले सेगमेंट की वजह से जो फील्ड आ रही है वो बाहर आ रही है ना? आप राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, आपको पता चल जाएगा। कैन यू सी दैट? यस सर। जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सेंटर पे, सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो हमें निकालनी है, सो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट एंड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट। भूलना नहीं स्ट्रेट सेगमेंट को, यहाँ पे जीरो है, हर बार जीरो होगी जरूरी नहीं है। तो स्ट्रेट सेगमेंट की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपकी जीरो है, क्योंकि वो अपीयर कर रही है पास, आई मीन पास करते हुए अपीयर हुई सी से। अब सर्कुलर सेगमेंट के लिए निकाले तो एक है I1 वाला, तो उसके लिए पहले लिख लेते हैं, तो म्यू नॉट इंटू I1 डिवाइडेड बाय 2R इंटू theta 1 by 2 pi and this is inwards plus mu naught into I2 divided by 2R into theta 2 divided by 2 pi and this is outwards. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो एक इनवर्ड से दूसरा आउटवर्ड से, तो इनवर्ड्स को अगर पॉजिटिव मान ले तो आउटवर्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस बिकम्स mu naught I divided by 4 pi R into I1 theta 1 minus of I2 theta 2 and direction can be written as inwards. बट एक चीज आपको याद होगा तो अभी हम डिराइव किया था I1 theta 1 और I2 theta 2 सेम थे, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे ना, इसका मतलब कट जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो आ गई ना I? Yes. तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको याद रखते हैं कि अगर आप एक सर्कुलर लूप लेते हो और उस सर्कुलर लूप में किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक मतलब करंट को एंटर करवाते हो और दूसरे पॉइंट से बाहर निकाल लेते हो, तो थीटा कुछ भी ले लो, आप थीटा कुछ भी ले लो, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आएगी, जीरो आएगी। समझ आ रही है आपको? लॉजिक ये है कि जो सेगमेंट छोटा है
उसका थीटा छोटा होने की वजह से कंट्रीब्यूशन छोटा दिखना चाहिए आपको, बट उसमें करंट ज्यादा है, तो करंट ज्यादा है और फील्ड का कंट्रीब्यूशन थीटा में छोटा लिखते हैं, तो फिर उसकी एक चीज छोटा और दूसरा चीज बड़ा होके नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी सेम आ जा रही है दोनों सेगमेंट की। समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये वाली पार्ट आप किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर आप सर्कल को ही देखोगे तो सर्कल को ऐसा मानते हैं कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका इनफाइनाइट साइड्स होता है, इनफाइनाइट साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन की तरह इसको सोचते हैं सर्कल को। तो वैसे ही अगर आप किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए इसको एक्सटेंड करते हैं, ट्राइंगल, यू नो, स्क्वायर, किसी के लिए भी, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अगर एक्सटेंड करते हैं जहां पे किसी भी एक पॉइंट पे आप करंट को एंटर करवा रहे हो और दूसरे वर्टेक्स से आप बाहर निकाल ले रहे हो, तो फिर उस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉलीगॉन की वजह से जो आएगी वो जीरो होगी। तो ये चीज को एक रूल की तरह मैं लिख दे रहा हूं, आप याद रखिएगा। ठीक है, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप व्हेन करंट एंटर्स एट वन पॉइंट, करंट एंटर्स the loop at one point and leaves at the other is always zero if loop is uniform. This logic can be extended for a regular polygon too, where if current enters the polygon at one vertex and leaves at other, then the net magnetic field at centroid will be equal to zero. समझ आई है सभी को? Yes sir. जैसे ऐसे सोच के देखो, जैसे एक सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप यूज करोगे। जैसे एक स्क्वायर बनाया हमने एंड इस स्क्वायर में मान लो हमने यहाँ से एक वायर को एंटर करा रखा है, और यहां से बाहर निकाल लिया। देखो एक वर्टेक्स पे एंटर कर रहा है और दूसरे वर्टेक्स से ही बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, अब मैंने पूछा कि सेंट्रोइड पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से तो कोई फील्ड आएगी नहीं, ये तो पक्का है। बट अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर का जो ब्रांच है उसमें तीन साइड है और नीचे के ब्रांच में एक साइड है, मतलब नीचे का ब्रांच का रेजिस्टेंस का तीन गुना रेजिस्टेंस ऊपर का ब्रांच है। अगर ऊपर के ब्रांच का रेजिस्टेंस तीन गुना है तो उसका करंट भी वन थर्ड हो जाना चाहिए, राइट? यस सर, यस सर, यस सर। तो यहाँ पे जो करंट जाएगी दैट विल बी आई बाई फोर एंड यहाँ पे जो करंट जाएगी दैट विल बी पी आई बाई फोर। समझ आया आपको? समझ आया? यस सर। ठीक है, तभी तो आपका सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। अब अगर आप देखोगे तो आई बाई फोर का कितना ब्रांच है, तीन ब्रांच है ना। आई बाई फोर वाला कितना ब्रांच है, तीन ब्रांच है या नहीं? यस सर। राइट, आई बाई फोर करंट वाली तीन ब्रांच है और थ्री आई बाई फोर वाली एक ही ब्रांच है, तो इजन इट ऑब्वियस कि थ्री आई बाई फोर वाला एक सिंगल ब्रांच जितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, आई बाई फोर वाला तीन ब्रांच मिलके सेम फील्ड क्रिएट करेगा। Yes, समझ आ रही है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेंटर पे अगर बोले तो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ आ रही है? तो ये चीज नेक्स्ट टाइम से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप देखते ही सीधे से कंक्लूजन ड्रॉ करना कि ये सेंस ये रेगुलर पॉलीगॉन है, एक वर्टेक्स पे एंटर कर रहा है, दूसरे वर्टेक्स पे बाहर निकल रहा है, मतलब इस पॉलीगॉन की वजह से फील्ड आपका जीरो ही होएगा। समझ आई? ठीक है,
बट ये चीज का ध्यान रखना है कि मैंने जो आपको बोला कि ये रेगुलर पॉलीगॉन की वजह से जीरो होगी, स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से जीरो होगी या नहीं होगी वो आपको, मतलब जो वायर, जिस वायर से करंट एंटर कर रहा है और जिस वायर से करंट बाहर निकल रहा है, वो दोनों वायर्स का फील्ड जीरो है या नहीं वो एक बार जरूर चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे तो ठीक है वो जी से पास कर रहा था तो इसलिए फील्ड जीरो हो गया, बट जरूरी नहीं है हर बार हो। जैसे यहाँ पे देखो, चेक करो, यहाँ पे चेक करो, एक क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन वाले वापस से केस हो गया। अगर आप करंट को डिवाइड करते तो ऊपर के ब्रांच का रेजिस्टेंस नीचे के ब्रांच का डबल है, इसका मतलब ऊपर के ब्रांच में करंट नीचे के ब्रांच का करंट हाफ होगा। तो यहाँ पे करंट जो जाएगी दैट विल बी 2i/3 एंड यहाँ पे जो करंट जाएगी दैट विल बी i/3। समझ आ रही है आपको? यस सर। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, अब ये ट्रायंगल वाले पार्ट का तो जीरो हो गया फील्ड, ये समझ आ रहा है आपको? डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। ठीक है, तो ट्रायंगल वाले के लिए आपको फील्ड कैलकुलेट नहीं करना है, बट देखो तो स्ट्रेट सेगमेंट जो है, स्ट्रेट सेगमेंट उसकी फील्ड तो आएगी ना, है ना? ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ऑफशोर पॉइंट वाला? ये देखो ये एंगल कितनी है यहाँ पे, ये एंगल आपकी 30 है तो ये एंगल आपकी 60 हो जाएगी, एंड यहाँ से अगर डिस्टेंस मार्क करें, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है हमें वायर से, तो ये वायर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्ट्रेट वाली वायर की, दैट इज 1/3 ऑफ टोटल हाइट, एंड टोटल हाइट इज √3 L/2, सो दिस बिकम्स L/2√3। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं सेंट्रोइड पे लिखूं, जी लिखनी, जी पे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो मैं ये लिख रहा हूं दिस इज बी ड्यू टू ट्रायंगुलर लूप एंड प्लस बी ड्यू टू स्ट्रेट नहीं लिखे, ऑफशोर लिखता हूं, ठीक है, टू ऑफशोर वायर्स। ठीक है, तो ये वाली पार्ट तो अपनी जीरो हो गई, इसको बिना कैलकुलेशन का जीरो लिख रहे, अब बाकी जो बच रहा है उसका ऐड कर लेंगे। दोनों पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो वो बाहर की तरफ ही आ रही है, दिख रही है आपको? आप अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, देखो आपका पाम ऊपर की तरफ होगा, दिख रही है आपको? यस सर। तो फील्ड आपका किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, स्क्रीन में बाहर की तरफ आना है। अब एक्सप्रेशन लिखे, तो मी नॉट आई डिवाइडेड बाई 4π × परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज L/2√3 and that multiplied with 1 minus of sine theta, so 1 minus of sine of 60 degree. And ऐसे कितने हैं हमारे पास, दो हैं, तो into 2 करेंगे, and direction किस तरफ आ रहा था, बाहर की तरफ। समझ आया है सभी को? Yes. Sir, in this case, you have taken the height from the base, right? So that's why you've done 1/3h. In the formula, if it was from the vortex, it would have been 2/3h, right, sir? If it was from the vortex. Yes, but why do you need from to the vertex? No. I just wanted to confirm one formula. That's it, sir. Thank you, sir. So this becomes √3 divided by πL, and this 1 minus of √3/2, and direction is upwards. Okay? अभी आप जल्दी जल्दी डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पा रहे होंगे, पेशेंस रखिए, आप बाद में पीडीएफ शेयर कर लूंगा क्लास के बाद, तब लिख लीजिएगा, ठीक है? अभी ध्यान दीजिए क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैंने पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ है इनको, ठीक है? सर 2πL होगा। कौन सा बेटा? डिनोमिनेटर में 2 होगा। डिनोमिनेटर में 2 होगा, देखते हैं। ये देखो तो ये 2 4 हो गया और ये 4 गया। अरे हाँ तो बोल दो अब। यस सर। हाँ। तो लिखूं 2 या नहीं लिखूं? तो 2 लिखूं या नहीं लिखूं? नहीं लिखना है। नहीं लिखना है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अभी इस पर आते हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दी हुई है, साइड लेंथ L है और करंट I फ्लो कर रही है। अब ये लूप में ही करंट है, तो आप फील्ड जीरो मत बोलना, क्योंकि वो मैंने आपको लॉजिक तब बताया था, वो कब का था, जब एक पॉइंट पे फील्ड एंटर करती थी दूसरे पॉइंट पे बाहर निकलती थी, तब के लिए। बट ये तो लूप का ही करंट है, आपस में ही फ्लो कर रहा है लूप में। इसमें आप अगर इंडिविजुअली किसी भी एक पार्ट का फील्ड अगर का डायरेक्शन निकाल लेते हो, अगर आप कोई भी क्लोज लूप लेते हो और उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज नहीं कर रहे, डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज कहीं नहीं हो रहा है। इसमें देखोगे तो क्लॉकवाइज, देखो ऊपर वाले ब्रांच में अगर देखते तो लूप के लिए क्लॉकवाइज है और नीचे वाले ब्रांच में देखते तो एंटी क्लॉकवाइज है, दिख रहा है आपको? तो इसमें लूप में करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए जीरो होने का पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पे तो लूप का डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे लूप में करंट का डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज ही है, और अगर क्लॉकवाइज करंट है तो आप क्या करेंगे इस तरह के केसेस में, आपको जब भी कोई भी क्लॉकवाइज मतलब या एंटी क्लॉकवाइज जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो, और उसके बाद फिर मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही आपका फील्ड का भी डायरेक्शन होगा सेंटर पे। तो अगर आप देखोगे तो कर्ल करने से फिंगर्स को थंब अंदर की तरफ आ रही है, और अगर थंब अंदर की तरफ आ रही है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी आपका अंदर की तरफ ही होगा। तो पहला चीज ये डायरेक्शन निकालने के लिए एक आसान तरीका हो गया, इंडिविजुअली आपको सबके लिए डायरेक्शन चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि सबका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है फील्ड का, सबका डायरेक्शन फील्ड का एक ही डायरेक्शन है, इसलिए इंडिविजुअली सबको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालो, जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही आपका फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो पहली चीज ये बात ध्यान रखने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फॉर क्लोज लूप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड at all internal points, all internal points. अब एक एक करके निकालते हैं, एक पार्ट का फील्ड निकालेंगे और फिर डायरेक्टली तीन गुना कर देंगे, क्योंकि ये तो समझ आ रहा है सबके लिए एक ही होगा। तो अब फॉर्मूला यूज करना है आपको बस यहाँ पे, ये एंगल आपके 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने ऑलरेडी निकाला एल बाई टू रूट थ्री। अब फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे, सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर चाहिए अपने को, सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज एल बाय 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सो दिस बिकम्स 2 साइन ऑफ 60 डिग्री। और ऐसे कितने वाइज हमारे पास, 3 है, तो इनटू 3 कर दिया, एंड डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का इनवर्स आ रहा था तो इनटू इनवर्स कर दिया। देखो समझ आई आपको? यस सर। ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा 4 के साथ, और यहाँ 3 root 3 ऊपर जाएगा sin 60, so this becomes mu not I divided by pi L into root 3 by 2 into 3 inwards, so this becomes root 3 तो 3 हो जाएगा, 3 is 9 mu not I divided by 2 pi L and direction is inwards, clear है? Yes. चलो अभी ये आप ट्राई करो, तो ये आप ट्राई करो, देखो कितनी आ रही है। ये वाली लेंथ L मानेंगे और ये वाली लेंथ B मानेंगे, रेक्टेंगल है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देखो कितनी आ रही है। देखें डायरेक्शन तो इनवर्ड्स होगा, ये पक्का है, क्योंकि मैंने आपको जो लॉजिक बताया उसी लॉजिक से देखो, एक क्लोज लूप है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, थंब इनवर्ड्स आ रहा होगा, तो डायरेक्शन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो अंदर की तरफ आ गया। अब दो वायर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हैं वो तो आइडेंटिकल वायर्स हो गए, तो एल लेंथ के दो वायर्स हैं और बी लेंथ के दो वायर्स हैं, उन दोनों का ही फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो दोनों का फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको एंगल्स चाहिए होंगे, तो एंगल्स देख लेते हैं कितनी बन रही है यहाँ पे। ये वाली एंगल को मान लेते हैं थीटा है, तो ये वाली एंगल भी थीटा हो जाएगी, तो ये वाली आपकी 90 माइनस थीटा हो जाएगी, तो ये भी आपकी 90 माइनस थीटा हो जाएगी। ये थीटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा तो यहाँ से भी ये थीटा वही है, और अगर आप देखोगे तो टैन थीटा की वैल्यू या साइन थीटा की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू जो भी चाहिए आप तुरंत निकाल पाओगे। ये वाली लेंथ आपकी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए, so magnetic field at centroid will be पहले l length वाले के लिए लिखते हैं, तो mu not I divided by 4 pi into perpendicular distance, ये वाली perpendicular distance जो है that is b by 2, तो 4 pi into b by 2 into twice of sin theta, मतलब sin theta 1 plus sin theta 2, तो twice of sin theta हो जाएगा, and ऐसे कितने wires हैं हमारे पास, दो हैं, तो into 2 कर लेंगे, plus mu not I divided by 4 pi into, अब दूसरे वायर के लिए लिख रहे हैं, तो दूसरे वायर के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, दैट इज l by 2, सो यहां पे l by 2 लिखेंगे, एंड फिर sin theta 1 plus sin theta 2, बट इस बार थीटा जो है वो 90 minus theta है, तो
दिस विल बी ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. और ऐसे कितने वायर्स हैं हमारे पास, ऐसे अगेन दो वायर्स हैं, तो इनटू टू करेंगे. व्हेन डायरेक्शन होल इज इनवर्ड्स, तो इनवर्ड्स का डायरेक्शन निकालेंगे. देखो एक्सप्रेशन समझ आई आपको, एक्सप्रेशन समझ आई है सभी को? यस सर. ये टू और ये फोर कैंसिल, ये टू और ये फोर कैंसिल. तो एक्सप्रेशन में हमारे पास कॉमन क्या जा रहा है, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई कॉमन आउट कर लिया, एंड बच रहा है हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी एंड प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एल एंड द डायरेक्शन इज इनवर्स. साइन थीटा का डायग्राम में वैल्यू चेक करो कितना है, एल बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड कॉस थीटा का वैल्यू है बी बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे. तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई, दिस इज एल बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इन टू वन बाई बी तो है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टू वन बाई एल एंड डायरेक्शन इज इनवर्स. अब यहाँ पे फिर से कॉमन आउट कर लें, तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आउट कर लिया, एंड इधर से बच रही है आपके पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन डिनोमिनेटर में एल बी रह जाएगा, डायरेक्शन इज इनवर्स. अब यहाँ से अगर चेक करोगे तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई एल बी एंड दैट विल बी न्यूमरेटर में रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्शन इज इनवर्स. देखो समझ आइए क्या? Yes, sir. समझ आइए? Yes, sir. अंकिता पे ये आएगा? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट पे आगे मूव करते हैं. ये ट्राई करो, देखो क्या आ रही है, सभी ये ट्राई करिए. ये जल्दी हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं, जल्दी ऑफशोर पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज होना है. Not I root over 2 minus 1 by 2 pi d. Check करते हैं, देखो देखो. पहली चीज है वायर के साथ हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगी, तो हमें उसने d दिया है, बट ये एंगल 45 डिग्री, तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, दिस विल बी d by root 2, होगा ना? Yes, sir. होगा, क्योंकि ये वाले डिस्टेंस तो d दी हुई है, ठीक है ना? और एक वायर का जितना फील्ड होगा दूसरे का भी एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि एकदम सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो एक का निकाल के हम सीधे से डबल कर देंगे, ठीक है? तो बस वही काम करना है आपको. तो देखें एक्सप्रेशन क्या आएगी. सो दिस विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज d by root 2 एंड दैट मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस sin थीटा, सो 1 माइनस sin 45 डिग्री, एंड ऐसे कितने वायर्स हैं, तो दो हैं, तो इनटू 2 कर लेंगे. एंड डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे आप, डायरेक्शन निकालने का एकदम सेम लॉजिक यूज करो. इमेजिन करो कि अगर ये क्लोज पॉलीगॉन होता, अगर ये पॉलीगॉन क्लोज होता, ऐसा कुछ होता, अगर सोचो ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या चेंज होता? नहीं सर. तो फिर इस केस में आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिंगर कर्ल किया, थंब इनवर्ड्स है, तो इनवर्ड्स डायरेक्शन हो गया. समझ आई आपको? यस यस सर. ठीक है, तो डायरेक्शन आपका इनवर्ड्स लिख लेंगे, ये इनवर्स डायरेक्शन हो गया. ठीक है, अदरवाइज आप वैसे ही जैसे स्ट्रेट सेगमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वैसे इंडिविजुअली करिए, तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको इंडिविजुअली सबके लिए चेक करना पड़ेगा, दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा, दोनों का डायरेक्शन एक ही आएगा. मैं आपको डायरेक्शन आसानी से निकालने का तरीका बता रहा था, तो उससे आराम से हो जाएगा. चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, इसको करो, देखो क्या रही है.
क्या नहीं हुआ अभी तक? वायर के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ओपी वाला डिस्टेंस आर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगी आर परपेंडिकुलर, दिस विल बी आर साइन थीटा बाय टू, और इधर से ये वाली एंगल जो है दिस इज 90 माइनस थीटा बाय टू, और दूसरे एक्सट्रीम एंड पे जहां पे इनफाइनाइट है वो वाली एंगल कितनी हो जाएगी 90 डिग्री होगी नहीं होगी, इधर वाला एंगल अगर देखोगे तो ये एंगल कितना आएगा 90 तो आएगा ना, एक एंड पे इनफाइनाइट है तो जिस एंड पे इनफाइनाइट है वो एंगल आपका 90 हो जाएगा, और दूसरे एंगल पे फाइनाइट है तो उस केस में आपको एंगल वही वाली लेनी पड़ेगी, एंड डायरेक्शन एक का जिस तरफ है दूसरी तरफ का भी, दूसरे वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि सेम लॉजिक से आप देखो जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, वही डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, तो इसके एक्सप्रेशन को लिखें, so this will be magnetic field at center point P will be mu naught I divided by 4 pi into perpendicular distance which is r sine theta by 2 into sine theta 1 plus sine theta 2, so sine of theta 1 which is 90 minus theta by 2 and plus sine theta 2 which is sine of 90, aise kitne wires hain, 2 hain, to into 2 karenge, sorry into 2 karenge and direction is outwards, samajh aaya? Yes. So mu naught I divided by this becomes 4 by r into sine theta by 2. अच्छा एक 2 काट देते हैं यहाँ से, 2 बचेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे बचेगा आपके पास cos theta by 2 and plus 1. Direction will be opposite. Sorry, next question देखो. In which of the following cases the magnetic field at center of the square will be zero? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वायर्स को उसने कुछ कुछ वायर्स को मोटे ड्रॉ कर रखे हैं, कुछ वायर्स को पतले ड्रॉ कर रखे हैं। जो वायर्स मोटा है उसका अलग थिकनेस है, मतलब अलग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन में डेटा मेंशन कर देता हूँ मैं। वायर्स आर ऑफ वायर्स ऑफ सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल but thicker wire shown have wider cross section, ठीक है? अब आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ स्क्वायर पे कहां पे जीरो आएगा, बताइए, सोचिए फिर बताइए। सारे केस में देखो ऊपर में दो ब्रांच है और नीचे में दो ब्रांच है, तो बस आपको ये चेक करना है कि मतलब करंट किसमें इक्वली डिवाइड होगा, जिसमें करंट इक्वली डिवाइड हो गया तो पक्का है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो हो जाएगी, और जिसमें करंट अनइक्वली डिवाइड होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो नहीं आएगी, तो बस यही तो चेक है, बी बस ऑप्शन बी, और कोई नहीं, ऑप्शन ए में नहीं होगा, ऑप्शन ए में नहीं होगा, R1 R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन और R2 R1 का सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफरेंट है? हां सर, आई डोंट थिंक इट विल हैपन इन सी एंड डी, ए एंड बी इट विल हैपन सर, यस ए एंड बी में होगा, ए एंड बी में, क्योंकि ऊपर का ब्रांच है नीचे का ब्रांच बिल्कुल आइडेंटिकल है, हाँ सीक्वेंसिंग अलग है, सीक्वेंसिंग इज डिफरेंट क्योंकि पहले मोटा फिर बाद में पतला है, बट नीचे वाले में पहले पतला बाद में मोटा है, तो दोनों का तो रिलेशन एक ही हो गया, नहीं इसमें करंट इक्वली डिवाइड होंगे I by 2 and I by 2 ही जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो आएगा, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी जीरो, तो ये हो गया आपका ऑप्शन करेक्ट।
सेकेंड वाले में भी अगर आप देखोगे तो इक्वल करंट डिवाइड होगा i/2 डिवाइड होगा, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जीरो आएगी, तो ये भी करेक्ट हो गया। इसमें बट अगर देखोगे तो ऊपर का ब्रांच का यू नो क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस रो एल बाई ए करो आप, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा ना, मोटा जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, रो एल बाई ए करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है मतलब उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे I1 दिखा रहा हूँ और यहाँ पे I2 दिखा रहा हूँ तो पक्का है I1 इज ग्रेटर देन I/2 एंड I2 इज लेसर देन I/2, समझ आ रही है आपको राइट? तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल नॉट बी जीरो, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। फोर्थ ऑप्शन तो दिख ही रहा है यहाँ पे, ऊपर के ब्रांच में फिर से सेम लॉजिक है, ऊपर के ब्रांच का रेजिस्टेंस कम है और नीचे का ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब फिर से यहाँ पे अगर करंट को डिवाइड करोगे तो I1 I2 वैसे डिवाइड करोगे एंड I1 इज नॉट इक्वल टू I2, बस यही इंपॉर्टेंट है, I1 I2 इक्वल नहीं है मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल नॉट बी जीरो, तो ये भी आपका गलत हो गया। समझ आई? यस सर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Two long current carrying wires are placed along x and y axis. Find the locus of all such points in xy plane where net magnetic field is zero. ये देखो, ये x axis के along एक wire दे रखा है, current का wire दे रखा है, y axis एक current का wire दे रखा है, और उसने पूछा है कि इस xy plane पे आपको magnetic field कहाँ पे zero मिलेगी? That is what they have asked. वो locus आपको बता नहीं है। तो locus zero होने मतलब magnetic field zero होने के लिए पहला चीज है कि इन दोनों current carrying wire का जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑपोजिट होगा तभी आपका फील्ड क्या होगा कैंसिल करेगा। तो पहले क्वाड्रेंट वाइज पहले आप ये डिसाइड कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस क्वाड्रेंट में किस किस डायरेक्शन में है इंडिविजुअल वाइज का। पहले I1 वाले के लिए बात करते हैं, तो I1 वाले के लिए अपना थंब अपना करंट का डायरेक्शन में रखो, तो ऊपर वाले पार्ट में देखोगे तो पाम आपका आउटवर्ड्स आ रहा होगा, आ रहा है? यस सर। एंड वही चीज अगर घूम के जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा इनवर्ड्स हो जाएगा। I1 वाले के लिए अगर मार्किंग करें तो आउटवर्ड्स यहाँ पे ये B1, यहाँ पे भी आउटवर्ड्स B1, बट यहाँ पे इनवर्ड्स B1 एंड यहाँ पे इनवर्ड्स B1, ये समझ आई सभी को? यस सर। अब I2 वाले के लिए करो, वाले के लिए थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो एंड अपने पाम को राइट साइड में रखो, पाम को राइट साइड में लेके जाओगे तो पाम आपका इनवर्ड्स पॉइंट कर रहा होगा, दिख रहा है आपको? यस सर। तो पाम अगर इनवर्ड्स पॉइंट कर रही है मतलब इनवर्ड्स लिखेंगे और यहाँ B2 लिखेंगे, फिर यहाँ भी इनवर्ड्स लिखेंगे, यहाँ B2 लिखेंगे, बट वही अगर लेफ्ट हाफ में आप चले जाओगे तो आपका पाम आउटसाइड फेस करेगा, तो पाम आउटसाइड फेस कर रही है मतलब यहाँ पे B2 एंड यहाँ पे भी B2, दिख रही है आपको? अब देखो इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है एक ही क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड थर्ड, दिख रही है आपको? तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती है, दिस विल बी मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम मान लेते हैं कि कोई भी एक रैंडम पॉइंट हमने चूज कर लिया, लेट अस से दिस इज अ रैंडम पॉइंट, इस पॉइंट को पी मार्क कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं एक्स और वाई दिखा देता हूं। तो अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है तो एक्स एक्सिस वाला जो वायर है उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वाई, और y एक्सिस वाला जो वायर है उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा x, होगा ना? यस सर। राइट? यस सर। अब बस आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो लिखनी है, सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो लिखें, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p इज जीरो, देयरफॉर b1 इज इक्वल टू b2 लिखनी है हमें, एंड b1 मतलब है हमारा फर्स्ट वायर, सो म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2π इनटू y एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I2 divided by 2 pi into x. अगर आप देखोगे तो locus आ चुका है, y is equal to I1 by I2 into x. Locus क्या है? Straight line है ना? Yes. So locus is a straight line passing through origin. Straight line passing through origin. तो इसको draw करके भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऐसा एक लाइन ले लेते हैं, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, यही वाली हमारी डिजायर्ड लोकस है, दिस इज द डिजायर्ड लोकस, मतलब इस लाइन पे आप कहीं पे भी आप अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो आपको जीरो ही मिलेगा, समझ आई है? यस सर। अगर इस लाइन का स्लोप पूछते आपसे कितना है तो टैन थीटा कितनी आती?
y equal to mx, m कितना है? I1 by I2 दिख रहा है आपको? Yes sir. दिख रही है? Yes yes sir. तो इस tan theta की वैल्यू आप I1 by I2 लिख लेंगे. ये हो सकता है क्वेश्चन में यही पूछ लेते कि ये स्ट्रेट लाइन दे दिया और बोला कि बताओ ये थीटा कितना होना चाहिए सच कि मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो है. ओके एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे करंट कैरिंग वायर प्लेस किया हमने. दिस इज अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, दिस इज अ करंट ऑफ आई. दे हैव गिवन अस दैट अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सिस. Find magnetic field at x comma y. Yeah. X comma y पे magnetic field कितनी आएगी आपको find out करनी है. अब ये magnetic field अगर निकालनी है तो x comma y तो xy plane में ही है ना? है नहीं है? है या नहीं है? तो xy plane में मतलब इस plane में ही आपको magnetic field calculate करनी है. तो इस plane में magnetic field जब आप calculate करोगे तो इस वायर के चारों तरफ सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में होगा ना? होगा? यस सर. तो इस वायर के चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस वायर के चारों तरफ सर्कल ड्रॉ कर लिया और अब पक्का है कि इस लूप में जहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि करंट बाहर की तरफ है तो आपका राइट हैंड का फिंगर्स जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा. तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बेसिकली आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट चूज कर लिया. दिस इज द रैंडम पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स उसने x, y की तरह दिखा रखा है. तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही कुछ आएगा ना, देखो चेक करो, दिख रही है आपको? यस सर. अब अगर चार ऑप्शन दिया होता तो कई बार आप चार ऑप्शन को देख के भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे. ऑप्शन का एलिमिनेशन कैसे होता, जैसे इस बी के अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करता सोचो, इस बी के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, लेट अस से ये एंगल थीटा है, तो इधर का कंपोनेंट कितना हो जाता, बी कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट हो जाता बी साइन थीटा. तो देखो वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है जबकि एक्स कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है. दिख रही है आपको? यस सर. तो चार ऑप्शन में से ऑप्शन आप चेक करते, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव किसी भी ऑप्शन में होता तो वो एलिमिनेट हो जाता ना? यस सर. यस सर. हो जाता. ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाता तो वहां पे एलिमिनेट कर देते. उसके बाद फिर क्या देखते, उसके बाद फिर ऐसा ऑप्शन भी ऐसा होता कि जिसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव दिखता और इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव दिखता. तो बस जिसमें x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव दिख रहा है बस वही ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट आगे निकल जाते. उसके बाद पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती. समझ आई क्या बोला मैंने? यस सर. ठीक है, तो कई बार ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए. ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन देख के भी कई बार यू नो ये सब अच्छी चीजें नोटिस कर सकते हैं. तो अभी फिलहाल के लिए ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए होती है, वायर के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है. तो ये डिस्टेंस r अगर है, देखो तो r हमें पता है क्या, r इज रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना? यस सर. ठीक है, तो b का वैल्यू तो आपको पता है, सो देयरफॉर b का वैल्यू इज पता नोन टू अस, सो मे नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू r क्योंकि इनफिनिट वायर है. अब इसके बाद फिर cos थीटा sin थीटा आराम से कर सकते हैं. तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको लिखनी है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी e cos थीटा with a minus i cap and plus b sin theta with a j cap. अब sin theta cos theta की वैल्यू कैसे निकालें, यहां theta देखो डायग्राम में, तो ये theta अगर माना है हमने तो 90 minus theta फिर इधर theta हो जाएगा. देखो तो ये theta होगा. यस सर. होगा theta. यस सर. ये वाली डिस्टेंस तो y है, ये y कोऑर्डिनेट के लिए y है एंड ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज x. अब sin theta cos theta की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. तो इसको लिखते हैं, तो mu not I divided by 2 pi r and cos theta का वैल्यू विल बी y by r with a negative i cap plus b is again mu not I divided by 2 pi r and into x by r with a j cap. So this becomes mu not I divided by 2 pi r square, common out हो गया,
y with a negative i cap and plus x with a positive j cap. And r की वैल्यू तो आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो, सो v not i divided by 2 pi into root under x square plus y square, so x square plus y square आ गया यहाँ पे, and ये minus of y i cap and plus x j cap, ये हो गया आंसर. समझ आई है? Yes sir. समझ आई है? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है, एक आप ट्राई करिए खुद से. ये दो आइडेंटिकल करंट कैरिंग वायर्स हैं, लॉन्ग वायर्स हैं, इसमें भी करंट आई है और इसमें भी करंट आई है, एंड ये वाली डिस्टेंस उसने दे रखी है x है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको p कह रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट्स 0, y दे रखा है और पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p कितनी होगी. आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना है. देखिए क्या रही है, करिए नहीं हो रहा. तो म्यू नॉट आई वाई बाय पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप. एक्सप्रेशन मुझे ध्यान नहीं आ रहा. म्यू नॉट आई एक्स डिवाइड बाय पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्सप्रेशन मुझे ध्यान नहीं है. डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही आएगा, वो ठीक है, बट मुझे एक्सप्रेशन ध्यान नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं. सबसे पहला चीज है कि वायर से उन पॉइंट्स को कनेक्ट किया और अब आपको पता है कि ये जो वायर हमने कनेक्ट किया है, जो पॉइंट से कनेक्ट किया है वो रेडियस वाली लाइन हो गई है, तो रेडियस वाली लाइन से तो परपेंडिकुलर फील्ड आएगी. और एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालने के लिए आपको थंब को करंट की तरफ रखना है इनवर्ड्स एंड अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है. तो राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे तो दोनों के लिए दिखेगा कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन फील्ड आएगा. आ रहा है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन का फील्ड? यस यस सर. तो इधर से जब आप दिखाओगे तो ये वाले डायरेक्शन के लिए देखो, यहाँ पे ये हो गई आपकी बी एक के लिए, और दूसरे के लिए दिखाओगे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाना है, ठीक है, ध्यान रखिए इसको. और दूसरे के लिए भी दिखाओगे तो आपको ऐसा ही दिखाना है. ये भी बी, दोनों का बी सेम ही हुआ शूट में. ये अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो जब आप मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करोगे
तो मैग्नेटिक फील्ड देखना जो इंडिविजुअली दोनों वायर्स का है, वो इंडिविजुअली दोनों वायर्स का जो फील्ड है वो एक दूसरे का जो ग्रीन वाला जो डॉटेड लाइन है उसकी तरफ नहीं पॉइंट कर रहा है ना। आप अगर इसको मतलब अगर आप इसको ऐसा दिखाते ना, ऐसा दिखाते जहां पे ये ऑलमोस्ट आपको 90 डिग्री अपीयर हो रहा है, तो जब आप एक वायर के लिए फील्ड निकालते, इसके लिए जब फील्ड निकालते तो ऐसा दिखाते, तो देखो दूसरे के अलोंग आ जाता है, दिख रही है आपको? तो ये 90 डिग्री मत ड्रॉ करना, ठीक है, नहीं तो फिर वो दिखेगा नहीं आपको वो चीज। तो एनीवेज चलो ठीक है, अभी हम फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं एक बारी। तो यहां से हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, अब एंगल्स को मार्क कर लेते हैं एक बारी। ये एंगल को अगर हम लोग थीटा मानते हैं तो पक्का है ये भी थीटा होगा। अब अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल आपकी 90 माइनस थीटा हो जाएगी। देखो चेक करो सही लिख रहा हूँ मैं? यस ठीक है। अब अगर ये इधर से 90 माइनस थीटा आया तो इधर से भी पक्का है, इधर से भी ये भी 90 माइनस थीटा आएगा, सिमेट्री देख के हम कह सकते हैं। तो अब दोनों का मिला के जब फील्ड कैलकुलेट करोगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दिख ही रहा है आपको। सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा आ जाएगा। सो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज, बी नेट कैलकुलेट करें, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ बी इनटू साइन थीटा एंड डायरेक्शन इज आई कैप। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ट्वाइस ऑफ बी, बी इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज आर, और ये आर है रूट अंडर x square plus y square. So, ये हो जाएगा r ही रहने देते हैं, and sin theta का value is y by r, and this is i cap. अब values को substitute करें, so ये 2 cancel out हो जाएगा, this is mu not i y divided by pi into x square plus y square, और ये i cap हो जाएगा। Answer match किया आप दोनों का, दीपिका और अंकिता? Yes, sir. Answer match किया आप दोनों का? Yes, sir. ठीक है, दीपिका का मैच नहीं किया? No, sir. X आया था denominator में. X आ गया denominator में. अच्छा, numerator में. वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने वहाँ पे थीटा जब मार्क किया होगा तो ऊपर वाले एंगल को 90 थी माइनस थीटा नहीं मार्क किया होगा, उसको भी थीटा मार्क कर दिया होगा। ये हुआ क्या? नहीं सर, वो जो y by sin theta को x by r कर दिया बस। आपने theta यही चूज किया था? हाँ मतलब हाँ ही क्या। तो sin theta x by r कैसे होता? पता नहीं ऐसे ही कर दिया। अच्छा मुझे लगता है आपने यहाँ से देखा, sin theta की वैल्यू x by r लिखी थी ना हमने यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे theta कहाँ से measure किया मैंने? Vertical line से measure किया है। और यहाँ पे theta कहाँ से measure किया है? Horizontal line से measure किया है। Horizontal line से। तो ऐसे कुछ रटते हैं क्या कि sin थीटा का वैल्यू x / r होगा, ऐसे रटते हैं क्या? x और y कहां से लिया ये सब मेजर नहीं मेंशन नहीं करोगे? डायग्राम देखना नहीं आता है तुम्हें? बेस और परपेंडिकुलर दिखता नहीं है तुम्हें? इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर इंप्रोवाइजेशन करें, ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, एंड एक वायर में करंट मान लो इनवर्ट दिखा रखा है और दूसरे वायर में करंट मान लो आउटवर्ड दिखा रखा है, सेम करंट है। एंड अब आपको मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बतानी है। इस बार क्या आएगा देखो, देखो कितनी आ रही है इस बार, एकदम सेम अप्रोच। तो जल्दी जल्दी Thank you.
यूनिट आई एक्स बाय पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जे कैप. सही कह रहे. अब यहाँ पे डायरेक्शन पहले मार्क कर लें, तो लेफ्ट वाला जो क्रॉस वाला सेगमेंट है उसका फील्ड का डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मार्क कर रहे हैं. तो क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ आएगा, ये एक का बी हो गया. एंड डॉट वाले के लिए अगर हम निकालें तो डॉट वाले के लिए करेंगे तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा. तो ये हमने मार्क किया, दिस इज बी, ये इससे परपेंडिकुलर है और ये इससे परपेंडिकुलर है. समझ आ रही है सबको? अब एंगल्स को वापस से वैसे ही मार्क करें. एंगल थीटा है तो ये वाली आपकी 90 माइनस थीटा हो जाएगी, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगी. अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इधर से अगर एंगल मार्क करें, ये वाली एंगल मार्क करें तो ये थीटा हो जाएगी. तो मेरे तरीके से ये वाली एंगल भी मार्क करें तो ये थीटा हो जाएगी. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो नीचे की तरफ आपका बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा ट्वाइस ऑफ बी कॉस थीटा हो जाएगा. तो इस डायरेक्शन में आपकी फील्ड आएगी. तो दिस इज बी नेट, एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड जब आप लिखेंगे तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ बी कॉस थीटा एंड डायरेक्शन इज माइनस ऑफ जे कैप. अब वैल्यूज पर सब्स्टिट्यूट करनी है, सो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 pi into your distance r and into cos theta. Cos theta is base by hypotenuse. So x by r likhenge. X by r and direction is minus of j cap. While isko substitute kar do. So this is mu naught I into x by pi into x square plus y square with a minus of j cap. Clear hai? Yes, sir. एंगल्स वगैरह प्रॉपरली आपको मार्क करके देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा. ये किन फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर है. ये सेमी सर्कुलर वायर, और यहाँ पे स्ट्रेट वायर में एंगल. ये सेंटर है और ये रेडियस आर दे रखी है. आपको मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पूछा है, ये आसान है, ये करके देखो कितनी आ रही है. करंट आपका किस तरफ फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज दिख रही है सभी को? एंड क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्स होगा, होगा ना? यस सर. ठीक है, तो इंडिविजुअली सबके लिए निकालने का, चेक करने का जरूरत नहीं आपको डायरेक्शन के लिए, आप उसी लॉजिक से कर लो. अब बस आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो एक सेमी इनफाइनाइट है और दूसरा भी सेमी इनफाइनाइट है, तो दो सेमी इनफाइनाइट मिलके एक इनफाइनाइट हो जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अगर हम मार्क करें तो हम लिखेंगे मे नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर. ये सेमी इनफाइनाइट के लिए लिख रहे हैं, और ऐसे हमारे पास दो वायर्स हैं तो इंटू 2 कर लिया. एंड प्लस अब हाफ ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल मतलब मे नॉट आई बाई 2 आर इज फॉर कम्प्लीट सर्कल, एंड इसका हाफ मतलब इंटू हाफ कर लिया. एंड डायरेक्शन तो आपको पता ही है, इनवर्स आएगा, तो ये इनवर्स लिख लिया. समझ आई? Yes, sir. ठीक है, समझ आई सभी को? Yes, sir. यहाँ पे एक स्पाइरल कॉइल है,
और इस स्पाइरल कॉइल में उसने करंट दे रखा है, मान लेते हैं इसमें करंट आई है एंड इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये एन है, ठीक है, ये आपको दे रखा है एंड आपको ये पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ये कितनी आएगी, आपको ये फाइंड करनी है, ठीक है। और स्पाइरल कॉइल के लिए तो आपने मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा है, बट आपने सर्कुलर लूप के लिए पढ़ा है, तो सर्कुलर लूप के लिए जब पढ़ा है तो इसके लिए भी आप निकाल लेंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस आर पे चले गए और यहाँ पे सोचते कि अगर यहाँ पे एक सर्कुलर यू नो सेगमेंट होता वायर का, यहाँ सोचो अगर यहाँ पे एक सर्कुलर सेगमेंट होती वायर की तो ऐसी कुछ होती, और यहाँ से एक पर्टिकुलरली डी आर थिकनेस का एक और सेगमेंट ड्रॉ कर ले, डी आर थिकनेस का, ये डी आर थिकनेस का और एक सेगमेंट ड्रॉ किया, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे क्या हम ये बता सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ थिकनेस ऑफ डी आर कैसे निकाले अभी हम, तुम अभी देखोगे तो मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको एन बताया है और वो कितने थिकनेस में है, बी माइनस ए थिकनेस में yes, sir. है ना? देखो आप चेक करो बी माइनस ए जो थिकनेस है उसमें आपके एन टर्न्स है, तो डी आर थिकनेस में कितना टर्न्स होगा नहीं बता सकते आप, एन बाई क्या लिखेंगे, बी माइनस ए एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय डी आर, समझ आई? यस सर। और ये जो डी एन नंबर ऑफ टर्न्स है इन सबके लिए रेडियस आर ही है ना, है ही नहीं है? ये जो डी एन टर्न्स है ये सारे कहाँ पे है, आर रेडियस पे ही तो है, तो r रेडियस पे एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती है mu not i by 2r, तो dn टर्न्स के लिए हो जाएगा ये dn मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो db का एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं तो db का एक्सप्रेशन विल बी mu not i डिवाइडेड बाय 2r मल्टीप्लाइड विद dn एंड दैट विल बी n बाय b माइनस a इनटू dr एंड देयरफॉर अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है तो इसको इंटीग्रेट करनी है तो mu not i या mu not ni लिख लेते हैं इसको, mu not ni डिवाइडेड बाय twice of b minus a and that multiplied with dr by r and iska integration karna hai aur iska integration ka limit hoga a se leke b tak, so this becomes mu not ni divided by twice of b minus a into ln of b by a, okay sir screen freeze ho gaya, koi kuch pooch rahe hain? Nahi sir, mujhe awaaz nahi aa rahi aapki, bahut dheeme aa rahi hai, pata nahi shayad smriti bol rahe hai, shayad mujhe lagta hai smriti aap bol rahe hain? Nahi sir. आपको यहाँ पे दिखाए थोड़ा आगे बढ़ते मैग्नेटिक force of interaction between two current carrying wires, current carrying wires. इसको दो केसेस में करेंगे, केस वन थोड़ी सी, केस वन इज पैरेलल वायर्स, मान लेते हैं यहाँ पे करंट कैरिंग वायर आई वन है, ये लॉन्ग वायर है और यहाँ पे एक और करंट कैरिंग वायर है आई टू, ये भी मान लेते हैं लॉन्ग वायर है और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे आर दी हुई है and they want us to find the force per unit length. Force तो नहीं निकाल सकते, infinite length का wire है तो force नहीं निकाल सकते, but इस तरह के questions में generally force per unit length पूछते हैं, मतलब एक छोटा सा length लो किसी भी एक wire पे और उस छोटे से length पे आप calculate करो कि दूसरे की वजह से कितनी force आ रही है, वो calculate करनी है.
तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि सेकंड वायर का हमने एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ कंसीडर किया है, ठीक है, सेकंड वायर का एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ कंसीडर करें, लेट अस से दिस इज ऑफ लेंथ डीएल, ठीक है, तो इस डीएल वाले सेगमेंट पे अगर मैं आई वन करंट कैरिंग वायर का फील्ड कैलकुलेट करूं तो फील्ड अंदर की तरफ आएगा, ये आपको पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है फील्ड अंदर की तरफ आएगा? यस सर। ठीक है, अब आई डीएल क्रॉस बी करो, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आई डीएल क्रॉस बी, आई टू इंटू डीएल क्रॉस बी वन करना पड़ेगा, तो आई टू इंटू डीएल क्रॉस बी करो, तो डीएल अपवर्ड्स है एंड बी वन इनवर्ड्स है, तो अपवर्ड से इनवर्ड्स की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, देखो थंब लेफ्ट की तरफ आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। अपवर्ड से इनवर्ड्स की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे, आपको थंब दिखेगा कि लेफ्ट की तरफ आ रही होगी, सो दिस इज डी एफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, अगर वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखते डी एफ टू वन, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो दिस वुड हैव बीन आई टू इनटू डीएल एंड क्रॉस बी वन, यही लिखते आप, ठीक है, अब मैग्नीट्यूड चाहिए तो डी एफ टू वन की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, सो दिस इज आई टू इनटू डीएल इनटू बी वन व्हिच इज म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू आर, सो देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालनी है आपको तो इसको डी एफ बाई डी एल लिख सकते हैं, तो डी एफ बाई डी एल करेंगे तो आ जाएगी म्यू नॉट आई वन आई टू एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई इनटू आर आ जाएगी, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, और ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा अगर करंट क्या है सेम डायरेक्शन में, अगर यही करंट का डायरेक्शन आप उल्टा कर देंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है? यस सर। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, फोर्स अट्रैक्टिव फॉर पैरेलल करंट एंड रिपल्सिव फॉर एंटी पैरेलल करंट, जैसे मान लो अगर आपको ऐसा सिचुएशन दे रखा है किसी ने, जैसे यहां पे मान लो एक करंट कैरिंग वायर ऐसा इधर से ऐसा दिखा रखा है और इसमें भी ऐसा करंट दिखा रखा है, तो इनके बीच में आपको पता चल रहा है अट्रैक्शन होगा, अगर अट्रैक्शन होगा दो एंड पे फिक्स कर रखा है तो वायर्स एक दूसरे की तरफ थोड़े बेंड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यस सर। होंगे नहीं होंगे? यस सर। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ झुकेंगे, ठीक है, सेम चीज अगर यहाँ पे रिपल्सिव अगर दोनों में एंटी पैरेलल करंट दिखाते, तो अब दोनों में रिपल्शन होता, रिपल्शन होगा मतलब यहाँ पे ये दूर जाने का कोशिश करेगा एक दूसरे से, तो यहाँ पे शेप आपका कुछ ऐसा एक्वायर करता, मतलब शेप ऑफ वायर देख के आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि उसमें लाइक करंट है एंटी, मतलब अनलाइक करंट है, समझ आ रही है, मतलब पैरेलल करंट है एंटी पैरेलल करंट है, बता सकते हैं ना हम लोग शेप देख के? अगर एक दूसरे की तरफ झुका हुआ है, अगर एक दूसरे की तरफ बेंडेड है तो फिर इसका मतलब वो पैरेलल करंट है, अगर एक दूसरे से अवे बेंडेड है तो इसका मतलब वो एंटी पैरेलल करंट होगा, समझ आइए? ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस पैरेलल वायर वायर के लिए, अभी सेकंड केस पे जाते हैं, केस टू इज सॉरी परपेंडिकुलर वायर्स पे जाते हैं, परपेंडिकुलर वायर्स अब सिचुएशन ये है कि इधर से ये करंट कैरिंग वायर विद द करंट आई वन एंड इधर एक और करंट कैरिंग वायर एंड दिस इज द करंट ऑफ आई टू, ये फाइनाइट लेंथ का है, इधर से मान लेते हैं एक एंड आपकी डिस्टेंस ए पे है एंड दूसरी एंड जो है वो डिस्टेंस बी पे है, ठीक है, अब आपको फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू भी निकालनी है और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन भी निकालना है, पहले फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकाल लेते हैं, वो आसान काम है, वो पहले कर लेते हैं, तो अगर मैं एक रैंडम डिस्टेंस पे जाऊं, आई एम गोइंग एट अ रैंडम डिस्टेंस, देखो यहाँ पे, यहाँ से एक रैंडम डिस्टेंस पे गए, एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं इसे, और यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट का लेंथ चूज कर लिया, इसका लेंथ को हम डी एक्स दिखा रहे हैं, इस लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बी वन वो अंदर की तरफ होगी और करंट का जो डायरेक्शन है आई टू वो राइट की तरफ है, तो डीएल क्रॉस बी करो
देखो ऊपर की तरफ आ रहा होगा, दिख रही है आपको, दिख रही है? Yes, sir. तो डी एफ ऑन टू ड्यू टू वन, अगर ये लिखते तो क्या लिखते आप? दिस वुड हैव बीन आई टू इनटू डी एक्स एंड इनटू बी वन, यही आता, ठीक है? अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो लेफ्ट से राइट तक, लेफ्ट से लेके राइट तक आप थोड़ा 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 मूव करते जाओ, तो अगर आप देखोगे तो I2 भी चेंज नहीं कर रहा, dx भी चेंज नहीं कर रहा, बट चेंज क्या करेगा, b1 चेंज करेगा, और b1 की वैल्यू इज म्यू नॉट i बाय 2 पाई x, अगर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा i2 into dx into म्यू नॉट into i1 divided by 2 पाई x, तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा तो फोर्स घटता जाएगा ना, वो भी नहीं होगा, इसका मतलब पास वाले एलिमेंट पे सबसे बड़ा फोर्स होगा और दूर वाले एलिमेंट पे सबसे कम फोर्स होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डी एफ टू वन जो आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ रही है, आ रही है ना, क्योंकि फोर्स का जो वेरिएशन आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, ठीक है। अब इससे अगर एक चीज देखोगे आप, एक टर्निंग इफेक्ट भी है, अगर आप लेफ्ट एक रॉड देते हो और उस रॉड के लेफ्ट हाफ में आप बड़ा फोर्स लगाते हो, राइट हाफ में छोटा फोर्स लगाते हो, तो क्लॉकवाइज घूमेगा नहीं घूमेगा, ये हो गया, नहीं क्लॉकवाइज घूमेगा ना, समझ आ रही है आपको? तो दिस हैज अ टर्निंग इफेक्ट ऑल्सो, तो इसमें एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एक टॉर्क भी जनरेट हो रहा है, सो दिस इज टॉर्क ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एक टॉर्क भी आ रहा है, एंड जस्ट इसी वजह से क्योंकि फोर्स आपकी एक्स के साथ आपकी घट रही है, फिलहाल के लिए हमें टॉर्क पूछा नहीं है, बस ये टॉर्क का डायरेक्शन जरूर पूछते हैं, तो वो टॉर्क का डायरेक्शन मैंने आपको निकालना सिखाया दिया है। अब आपको अगर फोर्स ड्यू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन चाहिए तो आपको इंटीग्रेट कर लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ टू करना है, तो डी एफ टू वन करना है, तो इसकी वैल्यू निकाल लें, तो म्यू नॉट इन टू आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, एक्स की लिमिट ए से लेके बी पर, सो दिस बिकम्स म्यू नॉट इन टू आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई इन टू एल एन ऑफ बी बाई ए होता है, समझ आई है? Yes, sir. ठीक है, तो हमने फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन तो कैलकुलेट कर लिया, अब उल्टा करते हैं, अब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू निकालते हैं, अब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आई टू वाला जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से आई वन वाले लोकेशन पे आपको फील्ड का डायरेक्शन पहले निकालना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे थे पहले आई वन की वजह से आई टू वाले लोकेशन पे फील्ड का डायरेक्शन निकाला, तो आई वन वाले करंट की वजह से जब हमने आई टू वाले पे फील्ड का डायरेक्शन निकाला तो वो हर एक जगह पे देखो अंदर की तरफ ही था, बट I2 वाले की वजह से जब आप I1 वाले करंट, I1 वाले वायर पे फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे तो एक एक हाफ में वो बाहर की तरफ आएगा, दूसरे हाफ में अंदर की तरफ आएगा, चेक करो आप। यस सर, कैन यू सी दैट? सबको समझ आ रही है? आप थंब को अपने करंट के डायरेक्शन में रखो, I2 के डायरेक्शन में थंब को रखो, और पाम जब आप ऊपर की तरफ रखोगे तो आउटवर्ड फेस करेगा, और पाम जब नीचे की तरफ लेके जाओगे तो इनवर्ड फेस करेगा, दिख रही है सभी को? और वही नीचे वाले हाफ में चले जाएंगे तो बी टू अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है? करंट एलिमेंट का डायरेक्शन जो है, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ये है आई टू, सॉरी आई वन डी एल, ठीक है? यहाँ पे भी करंट एलिमेंट का डायरेक्शन देखोगे तो आई वन डी एल वैसा ही है, बट आई डी एल क्रॉस आर करो, सॉरी आई डी एल क्रॉस बी करो, तो डी एल क्रॉस बी अगर आप करते हो तो यहाँ पे ऊपर वाले सेगमेंट पे फोर्स देखो राइट की तरफ आएगा। यस सर। देखो दिस इज डी एफ ऑन वन ड्यू टू टू, दिख रही है आपको? यस सर। और वही नीचे वाले सेगमेंट पे करोगे तो देखो ये लेफ्ट की तरफ आएगा, दिस इज डी एफ ऑन वन ड्यू टू टू, अगर इनका वेक्टर सम करोगे तो जीरो नहीं आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि देखो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको? यस सर। तो इसका मतलब है वेक्टर सम ऑफ एफ वन टू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, समझ आ रही है? Yes. तो एक अच्छी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, मतलब इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है, एफ वन टू इज नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट टू एफ टू वन, दिख रही है आपको? मतलब न्यूटन थर्ड लॉ वायलेट हो रहा है ना, न्यूटन थर्ड लॉ वायलेट हो रहा ना, हो रहा नहीं हो रहा है? वायलेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ हियर इन मैग्नेटिक फोर्सेस, मतलब अगर आप मैग्नेटिक फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं ना तो आप थर्ड लॉ हमेशा यूज करके फोर्सेस कैलकुलेट नहीं करना,
जिसका फोर्स जिस पे निकालने के लिए बोला है वही निकालना, क्योंकि हो सकता है दूसरा वाला आपको आसान दिख रहा हो बट वो हो सकता है कि वहां पे थर्ड लॉ लग ही नहीं रहा हो। समझ आ रही है? थर्ड लॉ तब लगता है न्यूटन, थर्ड लॉ तब लगेगा जब आपका पैरेलल करंट कैरिंग वायर होगा। पैरेलल करंट कैरिंग वायर में आप निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें अगर आप उल्टा भी निकालते फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन की जगह फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू भी निकालते तो भी आपका सेम रिजल्ट आता है क्योंकि पैरेलल करंट कैरिंग वायर, बट परपेंडिकुलर करंट कैरिंग वायर में ये एक्सप्रेशन होल्ड नहीं करेगा। समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो जिसका ध्यान रखना कि न्यूटन्स थर्ड लॉ आपकी वैलिड नहीं भी हो सकती है। ठीक है, आप अगर क्लॉक टॉर्क का भी डायरेक्शन अगर देखोगे तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू जो निकाला है उसका डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रही है? यस सर। ठीक है, सो टॉर्क ऑन वन ड्यू टू टू आपकी क्लॉकवाइज आ रही है। तो अगर किसी ने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, सोचो उसने बोला कि I2 वाला करंट कैरिंग वायर फिक्स्ड है बट I1 वाला करंट कैरिंग वायर जो है वो फ्री टू मूव है, तो फ्री टू मूव है तो वो ट्रांसलेट तो नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, बट रोटेट तो करेगा ना टॉर्क की वजह से। हो गया? नहीं, और रोटेट करेगा मतलब टर्न करके वो वापस से किसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है? I2 वाले करंट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, मतलब दोनों करंट कैरिंग वायर होने का कोशिश करेंगे। समझ आ रही है? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, बाय सावर्ट लॉ for moving charges. मैंने आपको करंट कैरिंग वायर की वजह से बायट सावर्ट लॉ तो बताया था, बट अभी मूविंग चार्जेस की वजह से भी यू नो इसका एक्सप्रेशन को एक बार देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपको कोई भी एक चार्ज होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q है और इसकी एक वेलोसिटी दी हुई होगी, इट विल गिव अस अ वेलोसिटी V, और इसकी वजह से किसी एक रैंडम पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेंगे। इस चार्ज से P पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, चार्ज को पॉइंट P से कनेक्ट करेंगे, उसकी पोजीशन वेक्टर हमें नोन होगी, दिस पोजीशन वेक्टर वुड बी नोन टू यू, जैसे करंट एलिमेंट के साथ आपको पोजीशन वेक्टर पता होता है वैसे ये एंगल थीटा भी आपके लिए नोन होगा। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट P, ये अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई into Q V cross R and divided by R cube लिखेंगे। यही आपको expression ही वाली है। ये अगर देखोगे तो exactly वही result है जो आपने पहले use किया है। मैं एक बार correlation आपको दिखाता हूँ। देखो, वहाँ पे expression क्या use करते थे? आप mu naught by 4 pi I dl cross R by R cube। By R cube ये use करते थे आप? Yes sir। अब ऐसे सोचिए, देखो I dl vector क्या था? जैसे ये हम एक छोटा सा wire लेते थे और करंट इधर फ्लो कर रही है और डीएल इसी डायरेक्शन में हम चूज करते थे। अगर हम यू नो जैसे अगर इसको ऐसे ट्रीट किया जाए कि जैसे इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में, तो हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में तो हम यू नो करंट को नहीं लेते, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। तो हम ऐसा चूज कर लेते हैं, लेट्स से कि ये एक इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन की तरह सोचो, और वो आपका करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को हम वी डी दिखाते थे। याद है आपको? याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? याद है? तो ये VD को हम क्या लिख सकते थे? यहाँ पे DL by DT लिख सकते थे, DL by DT। समझ आ रही है? तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे आप, तो DL ये जो करंट है, ये करंट को आप DQ by DT की तरह सोचो, DQ by DT। तो ये DT आपका DL by DT हो जाएगा, वो V बन जाएगा। I की वैल्यू को जो DQ by DT लिखते हो आप, उस DT को आप DL के साथ लेके चले जाओ, तो DL by DT V बन जाएगा, और DQ रह गया तो DQ into V cross R by R cube बचा ना। yes, sir. समझ आ रही है? तो same expression ही है, बस लिखने का तरीका change हो गया है, but expression wise वो same ही है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखनी है, expression आपको ध्यान रखनी है। आसान तरीका ये भी होगा कि अगर आपको direction find out करनी है, तो एक तो V cross R करके आप calculate कर ही रहे हैं, but दूसरा आप ये भी याद रखना कि एक you know जैसे आप you know जिस direction में positive charge move कर रही है, उस direction में हम current भी तो imagine कर सकते हैं ना। imagine कर सकते हैं? नहीं। अगर चार्ज ऊपर की तरफ भाग रही है तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं ना कि ऊपर की तरफ करंट है। और अगर ऊपर की तरफ करंट है तो फिर इस केस में थंब को ऊपर की तरफ रखा एंड अपना राइट हैंड का जो पाम है वो अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो फील्ड अंदर की तरफ हो गई है।
मतलब जैसे आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड का डायरेक्शन निकालते थे, वैसे ही ये मूविंग चार्जेस की वजह से भी निकाल लेना। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब रखो और फिर अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, उसी डायरेक्शन में आपका करंट फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर उल्टे तरफ आ जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका राइट हैंड का फिंगर्स कर्ल हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ आ रही है? Yes. समझ आ रही है yes, आपको? ठीक है, सो ये चीज का ध्यान रखना फॉर डायरेक्शन। फॉर डायरेक्शन वी कैन स्टिल यूज राइट हैंड कर्ल रूल। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसमें एक बार डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। जिस डायरेक्शन में चार्ज भाग रही होगी वेलोसिटी वी के साथ पॉजिटिव चार्ज, उस डायरेक्शन में आपको अपने थंब को रखना है एंड उसके बाद फिर अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आपको कर्ल करना है। तो ये जो डायरेक्शन में अपना फिंगर्स कर्ल हो रहा है वही डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। Got it? Yes, sir. Yes, sir. आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते? ऑपोजिट कर देते। ठीक है, तो मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रह जाए। सो हैड इट बीन अ माइनस क्यू, आपको डायरेक्शन उल्टा लेना पड़ता। ये मेंशन कर दे रहा हूं फॉर नेगेटिव चार्जेस डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द सेंस ऑफ कर्लिंग फिंगर्स, सेंस ऑफ कर्लिंग फिंगर्स। ठीक है, याद रखना है आपको। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे अगर नेगेटिव चार्जेस के लिए निकालना है ना, तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप पॉजिटिव चार्ज को भेज दो, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को भेज दो और उसके बाद अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो। जैसे अगर चार्ज अगर ये नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रही है और अगर पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रही है तो थंब को नीचे रखो। और अब आपके फिंगर्स किधर कर्ल कर रहे हैं? क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हैं ना। यस सर। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? सो ये जो चीज मैंने लिखी है यहां पे, ये जो चीज मैंने लिखी है, दिस कुड हैव बीन आल्सो बी थॉट this could have been thought in another way. We can imagine a positive charge of same amount moving in opposite direction. Positive charge of same amount moving in opposite direction, and hence we can apply right hand curl rule again. Okay. ठीक है, समझ आ गई सभी को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इसका एप्लीकेशन एक दिखाते हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस।
between moving charges. Between moving charges. सबसे सिंपल सिचुएशन पहले मानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू वन और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू टू एंड दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं, मतलब ये वेलोसिटी वी वन से एक को प्रोजेक्ट किया है और दूसरे को वेलोसिटी वी टू से प्रोजेक्ट किया है और इन दोनों के बीच की सेपरेशन ये मान लेते हैं हमें आर दी हुई है, ठीक है। अब इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, रिपल्शन ही होगा ना इन दोनों के बीच का, यस सर, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए एफ ई लिख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो आपको पता है कितने का होगा, कितना होगा, 1/4 pi epsilon naught into q1 q2 by r r या r स्क्वायर, r स्क्वायर, r स्क्वायर, r स्क्वायर, ठीक है। फोर्स निकालनी है आपको, एनर्जी नहीं निकालनी है, so k q1 q2 by r square कर लिया, ये तो रिपल्सिव है, दिस इज रिपल्सिव, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, किसी भी एक से निकालो, अगर आप q1 की वजह से q2 के ऊपर फोर्स निकालना चाह रहे हो तो आप देखो q1 की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड से q2 के लोकेशन पे दिख रही है आपको, दिख रही है। अरे थंब को v1 के डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड के थंब को v1 के डायरेक्शन में रखो और मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है q2 के लोकेशन पे, यस सर आ रही है, ठीक है। सेम लॉजिक से अब q2 की वजह से q1 के लोकेशन पे फील्ड का डायरेक्शन चेक करो, थंब को v2 के डायरेक्शन में रखो और थंब आपका पाम देखो बाहर की तरफ आ रहा होगा, दिख रहा है, यस सर। अब q into v cross r करेंगे, v cross r चेक करके देखो, v2 cross b1 करो, v2 ऊपर की तरफ है और b1 inwards है, तो v2 cross r देखो towards q1 आ रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रही है, यस सर, यस सर। सेम लॉजिक से अगर आप v1 cross b करोगे तो देखो ये towards right आ रहा होगा, चेक करो, दिख रही है आपको, यस सर, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है ना, राइट, यस सर। और ये तो होना भी चाहिए था, आपको याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, याद है, यस सर। अगर दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में और दोनों पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन तो होना ही था ना, यस राइट, तो इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं था अट्रैक्टिव नीचे फाइंड करने के लिए, डायरेक्टली उस कोरिलेशन से आप कर सकते थे फिलहाल के लिए। सो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा ये कितनी लिखेंगे आप, Q2 into V2 into B1 लिख सकते हैं या फिर आप इसको Q1 into V1 into B2 भी लिख सकते हैं, दोनों से सेम ही आएगा, किसी एक से कैलकुलेट कर लेते हैं, Q2 into V2 into B1 से कर लेते हैं, तो this will be Q2 into V2 into B1 लिख रहे हैं, B1 मतलब Q1 वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड Q2 के लोकेशन पे, बैट सबर्ट लॉ यूज करो, mu naught by 4 pi into Q which is Q1 into V cross R, तो v1 into r into sin 90 divided by r cube, देखो समझ आई है क्या आपको, समझ आई, यस सर। अब इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज mu naught by 4 pi यस सर into q1 q2 into v1 v2 एंड डिवाइडेड बाय r square आ गया एंड दिस इज अट्रैक्टिव, ठीक है। अब एक फोर्स आया है रिपल्सिव और एक फोर्स आया है अट्रैक्टिव, तो ओवरऑल अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको ये तो पता चल जाए कौन सा बड़ा है तो पता चल जाएगा। तो अब ये निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, लेट्स टेक द रेशियो। सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं एफ एम और एफ ई मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनका रेशियो ले रहे हैं, क्या क्या कट जाएगा देखो, 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू वन क्यू टू, ये तो पूरा कट जाएगा, यस सर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा म्यू नॉट और यहाँ बचेगा 1 by epsilon naught and into 1 by v1 v2, यही आएगा ना, नहीं उल्टा, सॉरी v1 v2 नहीं, उल्टा आ रहा है, यही आ रहा है, देखो तो चेक करो आ रहा है, यस सर, इसको रीअरेंज करें तो इसको ऐसे ले सकते हैं, दिस इज epsilon naught म्यू नॉट एंड into v1 v2। अब एक फैक्ट है जो आपको जान के रखनी है, स्पीड ऑफ लाइट,
स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है जिसको हम सी लिखते हैं दैट इज 1 बाय रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट स्क्वायर दिस इज 3 इनटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड एप्रोक्सीमेटली इन वेक्टर समझ आ रही है yes. तो इससे अगर आप yes, देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता चल गया ना 1 बाय सी स्क्वायर आएगा yes, तो एफ एम बाय एफ ई अगर लिख रहे हैं तो ये आ रही है वी वन वी टू डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आ रही है yes, sir. अब आपको पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं पता चल रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा है काफी बड़ा है बड़ा नहीं काफी बड़ा है क्यों क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो सबसे बड़ी स्पीड है जो कोई भी चीज अटेन कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई भी चीज फास्ट नहीं मूव कर सकता है तो चार्जेस जब मूव करेंगे v1 v2 जो भी होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से पक्का है काफी छोटा होगा तो v1 v2 का प्रोडक्ट c स्क्वायर से क्या हो गया काफी छोटा हुआ नहीं हुआ राइट सो एज v1 v2 का प्रोडक्ट विल बी मच लेसर देन c स्क्वायर देयरफॉर हम श्योर होकर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी मच ग्रेटर देन आपका मैग्नेटिक फोर्स समझ आ रही है और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेंट है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेंट है फिर उस केस में चार्जेस क्या करेंगे दूसरे के पे अट्रैक्टेड होंगे या रिपेल्ड होंगे समझ आई सो देयरफॉर ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ओवर स्क्रीन फिक्स हो गया मुझे नहीं लगता फ्रीज हुआ होगा क्योंकि जब फ्रीज होता है मुझे पता चल जाता है फ्रीज हुआ है क्या नहीं सर नो सर ओके ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ओवर मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन the charges will overall be repelled ठीक है आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखनी है ठीक है रेशियो को आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखनी है अब एक चीज और है जैसे इसका एप्लीकेशन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अच्छा एप्लीकेशन आपको करके दिखाऊं ठीक है मेरी आवाज आ रही है ना एक बार कंफर्म करिए Yes, sir. मैंने पूछा कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा देखो एक्चुअली दीज आर इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग वायर्स क्योंकि अगर एक चार्ज रॉड है और उसको आप वेलोसिटी से मूव करा रहे हो तो करंट कैरिंग वायर तो हो गया ना yes, हुआ तो इसमें ऊपर की तरफ अगर मैं करंट दिखाऊं आई वन तो ये हो जाएगा लैम्डा वन इंटू वी वन हो जाएगा लैम्डा वन इंटू वी वन कैसे किया क्योंकि dq by dt होता है ना तो dq जैसे अगर सोचो ये v1 को आप लिखोगे तो v1 को क्या लिखोगे आप dy by dt ऐसे लिख रहे हैं या dx by dt लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ के लिए या dl by dt लिख लो ठीक है dx by dt लिख लिया तो dx मतलब है कि एक छोटा सा लेंथ जितना वो मूव किया छोटा सा लेंथ आपने मूव करा है dx तो dx में कितना चार्ज मूव कर जाएगा lambda 1 into dx हो गई नहीं होगा तो lambda 1 into dx and then divided by dt करेंगे तो वो वापस से क्या मिल जाएगा lambda 1 into v1 ही तो मिलेगा समझ आ रही है आपको ठीक है तो ये करंट मिल गया आपको इधर और दूसरा वाला वायर में भी करंट है ये करंट की अगर हम बात करें i2 तो ये क्या हो जाएगा lambda 2 into v2 समझ आ रही है अब अगर इस तरह से सिर्फ सोचे तो बोलेगा कि दोनों करंट कैरिंग वायर पैरेलल डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होना चाहिए यही तो बोलेगा वो बट क्या वो उसका लॉजिक सही हुआ क्योंकि इसमें ये चार्ज रॉड है ना दीज आर चार्ज रॉड और नॉट और चार्ज रॉड में क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी तो आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होती है डोमिनेंट ओवर मैग्नेटिक फोर्सेस Yes. तो उस केस में ओवरऑल क्या होगा रिपल्शन होगा ना समझ आई आपको मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन होना है
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिपल्शन होना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डोमिनेंट ओवर मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, तो ओवरऑल आपका रिपल्शन ही हो जाएगा। समझ आई आपको? यस सर। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। बट यहां पे जो हमने किया था, सॉरी यहां पे जो हमने किया था, इसमें रिपल्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये चार्ज रॉड नहीं है ना, ये तो न्यूट्रल वायर्स है। वायर में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो क्या मटेरियल चार्ज हो जाता है? No, sir. नहीं, तो इसमें क्या होगा? इसमें तो अट्रैक्शन ही होगा दोनों के बीच में। इसमें डेफिनेटली दोनों के बीच में अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन नहीं है। रॉड्स आर नॉट चार्ज, वायर्स आर नॉट चार्ज। बट यहाँ पे जो ईएमपी हमने किया, उसमें हमने वायर को क्या किया था? चार्ज करके रखा था। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो देयरफॉर वायर्स ओवरऑल आपके रिपल्ड होंगे। वायर्स ओवरऑल रिपल्ड। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ओके, ये जो मैंने किया है यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट डिराइव किया है, ये सिर्फ यू नो पैरेलल मूविंग चार्जेस के लिए किया है। अगर हम ऐसा करें, देखो मान लेते हैं कि एक चार्ज हमने Q1 जो ले रखा है, प्लस Q1 मान लेते हैं फिलहाल के लिए, इसको हमने ऊपर की तरफ भगा दिया वेलोसिटी V1 के साथ, और इसके ठीक सामने में एक चार्ज यहाँ पे रखा है, और इसको मान लेते हैं ये प्लस Q2 है, और इसको इधर का वेलोसिटी दे देते हैं V2, ठीक है? और अब अगर मैं पूछूं इसमें, देखो आपको बताया था एक चीज याद है कि परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में जब दो करंट कैरिंग वायर्स थे, उसमें थर्ड लॉ वैलिड नहीं था, याद है आपको? तो इसमें भी ये तो परपेंडिकुलर वाला केस ही हो गया ना, तो इसमें भी थर्ड लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर पूछे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो, तो आप तुरंत से V1 V2 by C2 लिखते हैं, ऐसा नहीं है। वो चेक करो कि किसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आप निकाल रहे हो। अगर मैं Q2 की वजह से Q1 के लोकेशन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो ये जीरो होगा या नहीं? क्यों? क्योंकि देखो याद है आपको कि अगर करंट कैरिंग वायर पासेस थ्रू द पॉइंट, तो फिर उसके इसमें कोई फील्ड नहीं आती है, याद है? Yes, तो बी है ही नहीं वहाँ पे, Q1 के लोकेशन पे बी नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये कितनी आएगी? जीरो आ जाएगी ना? यस सर। बट अब Q1 की वजह से Q2 के लोकेशन पे तो फील्ड है। देखो थंब ऊपर की तरफ रखो, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है V1, थंब ऊपर की तरफ रखा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, तो दिस इज इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड B1। और अब V क्रॉस B करो, V क्रॉस B अगर करोगे तो देखो डाउनवर्ड्स आएगा, दिख रहा है आपको? यस सर। So this is magnetic force on 2 due to 1. और ये value निकालने के लिए आप वापस से Q2 into V2 into B1 कर सकते हैं. Understood? Yes, sir. ठीक है? तो यहाँ पे third law valid नहीं हुआ. Perpendicular वाला case होगा तो third law valid नहीं होगा. Parallel वाला है तो third law valid है. ठीक है? Yes, sir. तो अब अगर पूछते हैं आपसे कि electrostatic force और magnetic force, इनका रेशियो ऑन उल्टा कर लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1:2, तो ये रेशियो क्या था? जीरो आता है? आता? यस सर। बट अगर यही आप मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो ऑन 2:1 निकालते, तो ये क्या था? V1 V2 by C2 आ जाता। समझ आ रही है? यस सर। ठीक है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। रोटेटिंग चार्ज ये चेक करिए, रोटेटिंग चार्जेस करते हैं। रोटेटिंग चार्जेस मतलब कि जैसे एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हम मान लेते हैं किसी एक चार्ज को गोल गोल चक्कर कटवा रहे हैं, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस, और यहाँ पे मान लेते हैं हमने एक चार्ज को वेलोसिटी वी दे के मूव करा रखा है। यहाँ पे मान लेते हैं ये प्लस क्यू का चार्ज है, इसकी मास एम दे रखी है, इस सर्कल का रेडियस भी हमें पता है, this is center, so this radius is known to you. अगर इस केस में इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो ये V/R लिख सकते हैं, राइट?
एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर अगर आप लिखेंगे तो वी बाय आर लिख सकते हैं। अब इस चार्ज के लिए अगर आपको पूछे कि इस देखो चार्जेस जनरली यहाँ पे जो सर्कल में मूव करते हैं वो काफी फास्ट मूव करते हैं, मतलब ये पॉइंट चार्जेस की हम बात कर रहे हैं तो काफी फास्ट मूव करेंगे, मतलब उनकी जो वेलोसिटी है वो 10^5, 10^6 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। तो ऐसा अपीयर होगा जैसे कि एक लाइटनिंग स्पीड से बेसिकली यू नो कि वहां पे यू नो गोल गोल चक्कर काट रही कोई चीज, जैसे फैन का ब्लेड से सोचो जब घूमता है 5 स्पीड पे तब वो इतना तेज घूमता है कि आपको एक ऑलमोस्ट एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस डिस्क का दिखता है, वो आपको ऐसा तो नहीं दिखता 3 ब्लेड की तरह। तो सेम चीज यहाँ पे ये जो डिस्क्रीट आपको एक पॉइंट चार्ज दिख रहा है ना वैसा पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा नहीं, वहां पे जब इतना तेज घूमता है तो वो ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूअस रिंग की तरह उसको अपीयरेंस आएगा। समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? यस। ठीक है, वो एक ऑलमोस्ट एक कंप्लीट रिंग की तरह दिखेगा, मतलब रिंग ऑफ चार्ज दिखेगा। अब उसमें अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालोगे तो उससे करंट मिल जाएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट करंट इन लूप कितनी है, इक्विवेलेंट करंट इन लूप कितनी है, तो इसको अगर फाइंड आउट करते हैं, इसको I इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, तो करंट निकालने का तरीका क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यही तो निकालते हैं ना? यस सर। तो सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से उसको घूम के वापस आने में कितना टाइम लगेगा? कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, राइट? यस सर। और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज क्यू इंटू एफ भी लिख सकते हैं, मतलब एफ इज फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। इसी को चाहो तो आप क्यू ओमेगा बाई 2π भी लिख सकते हो, लिख सकते हो? यस सर। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप सेम एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। आप टाइम पीरियड को 2πr/v भी लिख सकते हो, तो इसी एक्सप्रेशन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज q इनटू v डिवाइडेड बाय 2π इनटू r, ये भी लिख सकते हैं। तो एक ही एक्सप्रेशन को लिखने का अलग अलग तरीका है। अब अगर करंट मिल चुका है तो इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो भी आप निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप अगर निकाले, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप निकाल रहे हैं तो इसको m लिख रहे हैं, दिस विल बी करंट इनटू एरिया करेंगे तो इक्विवेलेंट करंट इनटू पाई आर स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस लूप का मतलब ये जो चार्ज मूव कर रही है इसकी एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर कितनी है, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर निकालनी है तो इसको l लिख रहे हैं, और ये l की वैल्यू निकालोगे तो आप या तो m vr कर सकते हो या फिर i ओमेगा mr square into omega भी कर सकते हो? Yes sir. ठीक है? Yes sir. एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखो। m by l का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम इनका रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। इक्विवेलेंट करंट आपने ऑलरेडी निकाल रखा है q omega by 2 pi, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं q omega by 2 pi into pi r square, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, एंड डिवाइडेड बाई l, l इज m r square into omega। अगर आप नोटिस करोगे तो r square कैंसिल आउट हो रहा है, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो रहा है, पाई पाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो इससे जो फाइनली आपके पास रेशियो आ रही है वही आ रही है m by l, दिस क्वांटिटी इज कमिंग आउट टू बी q by 2m आ रही है। दिख रही है आपको? यस सर। ये रेशियो देखो क्या चार्ज के स्पीड पे डिपेंडेंट है? नहीं सर। क्या ये रेशियो चार्ज के रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन पे डिपेंडेंट है? No, sir. So, ये एक इम्पोर्टेंट रेशियो बन गया हमारे लिए, इस रेशियो को हम गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। दिस रेशियो इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो। इसका यूटिलिटी क्या है, इस रेशियो का यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी ये है कि अगर मुझे किसी भी रोटेटिंग चार्ज सिस्टम का अगर एंगुलर मोमेंटम पता है तो हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट तुरंत निकाल सकते हैं या नहीं? यस सर। एंगुलर मोमेंटम निकालना तो आसान काम है, सिंपली आपको क्या करना हो आई ओमेगा, चाहे वो रॉड हो चाहे वो डिस्क हो चाहे वो स्फीयर हो, हर एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एल निकालना आता है ना। आई ओमेगा में आई तो आपको पता है सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का, पता है या नहीं? यस सर। तो अगर आई पता है तो एल पता है, और एल पता है तो एम भी पता चल गया ना, पता चला या नहीं? Yes, sir. समझ आ रही है? तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट इजीली इस रेशियो को यूज करके कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सो इसका यूटिलिटी क्या है? दिस हैज अ यूटिलिटी, दिस रेशियो हेल्प्स अस कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम
distributed charge system. This ratio helps us calculate the magnetic moment of a distributed charge system, since we already know that L is equal to A, moment of inertia about axis of rotation into omega, and therefore M chahiye, to Q by 2M ke saath, aapko bas L ko multiply karna hai, moment of inertia about axis of rotation into omega multiply ho jayega. Samajh aayi? Yes, sir. Theek hai, to is ka dhyan rakhna, iska kaam kya hai? And ye dhyan rakhna, this ratio is independent of speed and radius of revolution. चलो अब ये तो हो गया, इस पे कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी देर बाद, पर एक और चीज कैलकुलेट कर लेते हैं. इस रोटेटिंग चार्ज की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वजह से? एक तो बाइट सवर्ट लॉ भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली करंट तो निकाल ही चुके हो, तो सर्कुलर लूप में अगर करंट होती है आई तो मी नॉट आई बाई टू आई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा नहीं होगा? यस सर. यस सर. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर इज, अब इसकी वैल्यू को लिख लें यहाँ पे, सेंटर की वैल्यू चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की सी लिख लेते हैं. दिस इज म्यू नॉट इनटू इक्विवेलेंट करंट एंड डिवाइडेड बाय 2R. एंड इक्विवेलेंट करंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, सो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2R एंड इनटू इक्विवेलेंट करंट को आप क्यू बाई टी लिखो, जो भी चीज आपको पता है उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो क्यू वी डिवाइडेड बाय 2π इनटू आर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है? यस सर. इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जैसे यू नो, जैसे मान लो कि उसने क्वेश्चन में ऐसे कह रखा है कि एक चार्ज है जिसको मैंने, ओहो अपने माइक्रोफोन ऑफ करके रखिए, अगर बात नहीं करनी है मतलब कुछ पूछना नहीं है तो माइक्रोफोन ऑफ करके रखिए. ओके, इनके एप्लीकेशंस आपको दोनों के ही करके दिखा दे रहा हूं करके. फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पहला ये चार्ज रॉड है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है. दिस इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड लेंथ ऑफ एल, ये उसने दे रखा है. अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसमें हमने क्या सीखा था, कैसे निकालेंगे? एम चाहिए तो क्या करना है, क्यू बाई टू एम के साथ हमें एल को मल्टीप्लाई करना है, और एल क्या होगी, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इनटू ओमेगा, यही होगी ना? यस सर. एम गेट्स कैंसिल्ड आउट, और चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज पे यूनिट लेंथ तो दिया हुआ है, तो लैम्डा इनटू एल कर लेंगे, तो दिस बिकम्स लैम्डा इनटू एल क्यूब इनटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 6. समझ आई? यस सर. यस सर. तो मान लो एक डिस्क दिया हुआ है, मान लेते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, एंड दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क. बड़का मत को इसे मान लेते हैं, इसकी चार्ज क्यू, मास एम दी हुई है, ठीक है, और इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है. तो एम की वैल्यू क्या लिखोगे फिर से, चार्ज बाई टू एल इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, so mr square by 2
into omega, ये आएगा ना, m gets cancelled होगा, और ये आ गई q omega into r square divided by 4 हो जाएगा, clear है? Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A charge plus q and mass m, plus q comma m is accelerated through a potential difference of capital V and then made to move in a circle of radius r. Find magnetic field created at center of सर्कल. मैग्नेटिक फील्ड सेंटर कितनी आएगी आपको निकालनी है. तो क्या करेंगे हम, पहला चीज है कि अगर वो चार्ज को हमने भी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा रखा है तो क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कर सकते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए. यस सर. तो यहां से हमें वी की वैल्यू मिल गई है, दैट इज रूट अंडर 2qv डिवाइडेड बाय m. स्मॉल v कैपिटल v में डिफरेंस रखना, ठीक है. अब एक बार वी मिल चुकी है तो अब आप ऐसे सोचेंगे कि ये सर्कल है और इस सर्कल के सर्कमफेरेंस में ये चार्ज जो है वो गोल गोल चक्कर काट रहा है ये वेलोसिटी वी के साथ, और इसने कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया ये पूछ रहे हैं आपसे. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस पर्टिकुलर चार्ज भैया. तो ये रेडियस अगर आर का है तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का निकालनी है. बी एट सेंटर निकालनी है तो क्या करना था, म्यू नॉट इनटू इक्विवेलेंट करंट जो आ रही है एंड डिवाइडेड बाय 2r करना था. इक्विवेलेंट करंट हम कैसे निकाल रहे थे, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप. इक्विवेलेंट करंट कैसे निकाल रहे थे, चार्ज पर यूनिट टाइम से, एंड चार्ज पर यूनिट टाइम करेंगे मतलब 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी करेंगे, यही तो है ना, समझ आ रही है. सो दिस बिकम्स म्यू नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू आर स्क्वायर, एंड वी चाहिए तो वी इज रूट अंडर ट्वाइस ऑफ क्यू इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा, दैट इज द आंसर, समझ आई है. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Just a second.